हाँ तो भाई सबने राम राम। आज आप अपने डिवाइन क्लासेस फागी के यूट्यूब चैनल पर एक नई शुरुआत करने वाला हूँ। और शुरुआत ये है कि राजस्थान को जो भूगोल है ना, राजस्थान को भूगोल आप कंप्लीट कराना, और कंप्लीट टॉपिक वाइज कंप्लीट करने के साथ में ही आप इनके अंदर जो भी राजस्थान भूगोल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, पुराने पुराने जो भी एग्जाम्स में हैं, उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, और साथ में जो इन फ्यूचर जो एग्जाम होने वाले हैं उनको भी अपन साथ में सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी हमारे सामने आज पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि अपना टॉपिक है राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। बेसिक सा टॉपिक है, बेसिक सा टॉपिक है, बिल्कुल प्रत्येक बच्चे को, जो बच्चा राजस्थान में कहीं भी कोई भी स्कूल में पढ़ रहा है उस बच्चे को यहाँ हर एक प्रश्न का पता होता है। और पिछली भर्ती में जो रीट की भर्ती हुई थी उस भर्ती में सरकार ने ये नया टॉपिक ऐड कर दिया था, राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह, जो मेन एग्जाम हुआ था पात्रता के बाद, क्या हुआ था मेन एग्जाम। और उस एग्जाम में सरकार ने कहा कि हम आपसे ये भी पूछेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं और उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका एक फैक्ट और भी है, और फैक्ट ये है कि जो बच्चा राजस्थान की कोई भी नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो उसको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनसे राजस्थान का कितना जुड़ाव है। अपनी सीधी सी बात है भाई कि राजस्थान की आत्मा बसी है इन प्रतीक चिन्हों में, तभी तो हमने इनको पूरे राज्य के प्रतीक चिन्ह घोषित किए, तो इनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। और ये बेसिक चीज है, एग्जाम में अगर नहीं पूछे तो भी हमें पता होना चाहिए कि हम इस राज्य के मूल निवासी हैं और हमारा जो राजस्थान है इसके कुछ जो बेसिक जो क्वेश्चन आपके सामने हैं वो आपको एक्चुअल में ध्यान होना चाहिए। और जो भी अभी देखो, जो बच्चे 12th के, जो बच्चे थे 12th में जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, और उन बच्चों के सामने अभी जो एग्जाम्स आए हुए हैं उन एग्जाम्स में अभी पहला जो एग्जाम है वो है PTET, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, और इसका जो एग्जाम है वो है 9 जून, 9 जून 2024। तो इसमें राजस्थान के विशेष संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा BSTC का जो एग्जाम है वो भी गवर्नमेंट कह रही है कि जून और जुलाई 2024 में हम कंडक्ट करवा देंगे, जून और जुलाई 2024। और ये जो दोनों एग्जाम हैं, वो कौन करवा रहा है, की बात वो करवा रहा है VMOU, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ है, कोटा में, कहाँ है, कोटा में। अब अपन इसको यहाँ डिस्कस करके ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाले इस सेशन को, क्योंकि सीधी सी बात है अपने को टॉपिक पे चलना है। और टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि राजस्थान में आप 4th ग्रेड से लेकर चतुर्थ श्रेणी से लेकर आप अगर सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करते हो तो ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह क्या क्या है। और सबसे पहले अपन बेसिक से बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखो अपन शुरुआत करते हैं, तो पहले मैं आपको एक साथ इनके नाम नोट करवा देता हूँ, फिर अपन एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि राजस्थान जो राज्य है, तो उस राज्य और उस राज्य का सबसे पहले अपन बात करते हैं वृक्ष की, क्योंकि सभी गांव में रहने वाले हैं और सबने देखा है, तो राज्य वृक्ष, और वृक्ष के क्या लगते हैं, पुष्प, तो क्या होगा राज्य पुष्प, क्या होगा राज्य पुष्प। तो राज्य वृक्ष की जब मैं बात करता हूं तो अपने क्या है, खेजड़ी, क्या है, खेजड़ी। और अगर मैं पुष्प की बात करता हूं तो मैं कहता हूं रोहिड़ा, और रोहिड़ा जो है, रोहिड़ा इसका जो पुष्प है वो हमारा क्या है, राज्य पुष्प, क्या है हमारा राज्य पुष्प, हमारा क्या है राज्य पुष्प। अब आ जाओ, खेतों में हमने कहा कि वृक्ष है उसके लग गई पुष्प, तो अब इसके ऊपर कौन रहेगा, पक्षी रहेगा, राज्य पक्षी, और पक्षी के बाद पशु भी तो आएगा ना, राज्य राज्य पशु, पशु और पक्षी दोनों साथ आएंगे, तो पक्षी हमारा क्या है बताइए आप, हमारा पक्षी है चिंगारी, क्या है,
चिंतन। और हमारा पशु जो है वो कौन सा है बताओ, गोदावर। खूब सुना आप लोगों ने, सबने देखा भी है, गोदावर है ना। लेकिन याद रखना ये हमारा है वन्य जीव श्रेणी में। इसमें है वन्य जीव श्रेणी, इसका मतलब अपना देसी भाषा में अगर बात करा तो वन्य जीव को मतलब जो उजाड़ में घूमे, जैन आप पाड़ा पुण्या, यानी कि आदमी बिन रस्सी बांध कर ग्रह को नहीं बांधे, तो बी को मतलब क्या हुआ है वन्य जीव श्रेणी। लेकिन लेकिन राज्य पशु हमारा ऊंट भी तो है, क्या है ऊंट। तो ऊंट की जब मैं अगर बात करूं तो ये जो है ये हमारा किसमें आता है पालतू, किसमें आता है पालतू श्रेणी। याद रखना इस बात को कि पालतू श्रेणी की अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है ऊंट, अगर आपसे पूछा जाता है वन्य जीव श्रेणी में तो आपको बताना है गोडा। चलो हो गया, फिर आ जाओ। अब अगर अपन बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि राज्य का खेल क्या है, राज्य का खेल। और अगर मैं राज्य के खेल की बात करता हूं तो कौन सा है बास्केट बॉल। ये थोड़ा उटपटांग लगता है क्योंकि 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 भाई राजस्थान में तो हम कबड्डी खेल लेते हैं, मारदड़ी खेल लेते हैं है ना, तो ये बास्केटबॉल ध्यान रखना इस बात का है ना। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं राज्य 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 नृत्य, और राज्य नृत्य की जब मैं बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है घूमर। क्या है आपका घूमर। देखो हमने कहा वृक्ष है खेजड़ी, पुष्प है रोहिड़ा, पक्षी है चिंकारा, पशु है गोडाउन, पालतू श्रेणी में ऊंट, खेल है बास्केटबॉल, राज्य का नृत्य है घूमर। अब समझो इस बात को, ये जो हमारा पार्ट रहा इसके अलावा फिर अपन आगे देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि 8 नंबर पे आ जाओ। और 8 नंबर पे मैं कहूंगा राज्य का शास्त्रीय, राज्य का शास्त्रीय नृत्य। और राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है कथक। कौन सा है कथक नृत्य जो है वो राज्य का शास्त्रीय नृत्य। फिर आ जाओ, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य राज्य कवि कौन है, राज्य का कवि कौन है। और कवि की बात आती है तो हम कहते हैं सूर्यमल मिश्रण। और ये वही सूर्यमल मिश्रण है जिन्होंने वंश भास्कर की रचना की थी। ठीक है, फिर आ जाओ हम कहेंगे राज्य राज्य गीत कौन सा है, तो आप कहोगे सर कौन सा है बताइए, केसरिया केसरिया बालम। कौन सा है केसरिया बालम, आओनी पधारो मारे देश। कौन सा है राज्य का गीत। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान दिवस, क्या पूछा जाए राजस्थान, आपसे पूछा जाए अगर कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च। कब मनाया जाता है 30 मार्च को। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान स्थापना दिवस, क्या पूछा जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। और ये जो राजस्थान का स्थापना जो दिवस है ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है 1 नवंबर। अब देखो राजस्थान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जब अपन राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो 30 मार्च को सबसे ज्यादा बड़ी जो रियासत थी उनका एकीकरण होता है, और 1 नवंबर को जो वर्तमान राजस्थान है वो अस्तित्व में आया था है ना। और लास्ट में जो मैं बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान जो है अपना, इस राजस्थान की राजधानी, और राजस्थान की जो राजधानी है वो आप सबको बहुत अच्छे से पता है, वो कौन सी है जयपुर, पिंक सिटी। कौन सी है जयपुर। अब देखो हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें एक एक को अपन डिटेल से पढ़ेंगे है ना, एक एक को अपन क्या करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हेडिंग डाल दो अपने राज्य का वृक्ष, और हेडिंग डाल दो अब, और हेडिंग क्या डालना है राज्य वृक्ष। और राज्य वृक्ष कौन सा है बताओ, अपना राज्य वृक्ष है खेजू। कौन सा है खेजू। अब इसमें एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछेगा वो अपन एक एक बात नोट करते हैं,
तो देखो खेजड़ी को राज्य वृक्ष के रूप में अपनाया कब गया, 31 अक्टूबर 1983 में। कब अपनाया गया? 31 अक्टूबर 1983 में। फिर आ जाओ हम अगर बात करते हैं और हमसे पूछा जाए कि इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम भी मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ इसका वैज्ञानिक, इसका वैज्ञानिक नाम, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है प्रोसेपिस। क्या नाम है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया किसका नाम है? खिचड़ी का। कौन सा नाम है? वानस्पतिक नाम। फिर आ जाओ अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्थानीय नाम, इसका स्थानीय नाम, और स्थानीय नाम सबको बहुत अच्छे से पता है, अपने सबको पता है, अपन बोलते हैं भाई जांटी जांटी, तो अपना स्थानीय नाम क्या है? जांटी। क्या नाम है? जांटी। फिर आपसे पूछा जाए कि इसका साहित्यिक नाम, क्या पूछा जाए आपसे इसका साहित्यिक नाम, तो इसका साहित्यिक नाम कौन सा रहेगा? चलो बताओ इसका साहित्यिक नाम, साहित्यिक नाम यानी कि जो हमारे साहित्य हैं उसमें इसका उल्लेख मिलता है, और जांटी का उल्लेख मिलता है किस नाम से? तो याद रखना देखो सै क्या है? साहित्य यानी सै, और साहित्य में इसको क्या कहा है? सिमलो। क्या कहा है? सिमलो। क्या कहा है इसको? सिमलो। याद रखना इस बात को, साहित्य सै और सै से इसको क्या कहा गया है? सिमलो। फिर इसको इसका पौराणिक नाम यानी कि इसका जो पौराणिक नाम है ना, इसका जो पौराणिक, इसका जो पौराणिक नाम है वो क्या मिलता है अपने को? तो वो नाम मिलता है अपने को समी। क्या मिलता है? समी। क्योंकि जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि इसको तमिल भाषा में क्या कहते हैं, तमिल, तमिल भाषा या तमिल नाम, और इसका तमिल नाम है पेयम पे। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि इसको कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं, कन्नड़ भाषा में, तो कन्नड़ भाषा में इसको कहते हैं बन्ना और बन्नी। क्या कहते हैं? बन्ना और बन्नी। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सिंध, सिंधी, सिंधी जो हमारी सिंधी भाषा है उस भाषा में इसको क्या कहते हैं, तो आपको बताना है इसको कहते हैं छोकड़ो। इसको क्या कहते हैं? छोकड़ो। याद रखना यहाँ से बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि देखो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया, इसका स्थानीय नाम है जांटी। आप सब बोला ना जांटी जांटी है ना, और जांटी साहित्य में सिमलो, पौराणिक नाम समी, तमिल भाषा में पे पे, और कन्नड़ भाषा में बन्ना बनी। तेरा वो है ना एक गाना, बन्ना दीवानो ए गाड़ी फॉर्चूनर ले आयो। तो याद रखियो कन्नड़ यानी देखो न न और न, याद रखना दोनों को, बन्ना और बन्नी, देखो आधा न और पूरा न, आधा न और पूरा न, तो याद रखना इसको, इस शब्द को याद रखना। क्या याद रखोगे? कन्नड़ बन्ना बन्नी, और तमिल में ये उटपटांग का नाम है ऐसे ही, तो तमिल, तमिल क्षेत्र में अपन जाते हैं तो अपन कहते नहीं है कि चाय वगैरह लाते हैं पीने वाली है ना, तो अपन कहाँ बैठ कर पियेंगे? जांटी पर बैठ कर पियेंगे। तो पे याद रख लेना, अपन खेतों में लावनी करते हैं और वहाँ जांटी के ऊपर, जांटी की छाँव में बैठ कर अपन क्या पीते हैं? पे पीते हैं। तो इसको क्या कहते हैं तमिल भाषा में? पे मे है ना, और सिंधी भाषा में इसको क्या कहते हैं? छोकड़ो। यानी कि भाषाई ऐसी है, सिंधी है, तो इसको उपतंग नाम दे दिया। क्या नाम दिया? छोकड़ो। नाम क्या दे दिया इसको हमने? छोकड़ो नाम दिया। अब देखो इसके बाद जो अपनी जाति है ना, जाति, इसके उपनाम भी हैं, और उपनाम आपको सबको पता है ना, सबको पता है, कुछ विशेष उपनाम है नहीं। और उपनाम की जब अपन बात करते हैं, मान लो आपसे पूछ लिए जाए कि इसके उपनाम बताइए, तो हम कह सकते हैं भाई ये हमारे राजस्थान का गौरव है क्या बताइए, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का क्या है? राजस्थान का गौरव। क्या है? राजस्थान का गौरव। राजस्थान का, राजस्थान का कल्प वृक्ष। क्या है? कल्प वृक्ष। और मैं कह सकता हूं मरुस्थल का, मरुस्थल का इसको क्या कहते हैं? मरुस्थल, मरुस्थल का वंडर ट्री। इसको क्या कहते हैं? मरुस्थल का वंडर ट्री।
अब देखो वंडर ट्री तो ऐसे है कि भाई मरुस्थल में इतना इतना कम पानी है और उसमें भी इतना हरा भरा रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, मरुस्थल का वंडर ट्री कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष, इसकी हर एक चीज अपने अपने पश्चिमी मरुस्थल के पूरा राजस्थान काम में लेते हैं। और राजस्थान का गौरव जब हम बात करते हैं, तो जब महाराणा प्रताप भी हमारे राजस्थान के गौरव है, जब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं, तो वो भी हमारे गौरव है। और उसी प्रकार राजस्थान का गौरव हमारे का है, खेजड़ी का जो वृक्ष है वो भी। अब इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि देखो, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि जो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है, ये देखो इसके अंदर तो इसकी क्या है, जड़ें। इसके अंदर क्या है, इसकी जड़ें। और जड़ें जो होती हैं वो कितनी बहुत गहरी होती हैं भाई, क्या होती हैं, ये हैं इसकी जड़ें। अब आपसे पूछ लिए कि देखो जड़ों के बाद ये ऊपर टहनियां ऊपर फैलती हैं, तो ये क्या है, इसका तना। ये क्या है, तना। और इस तने के बाहरी आवरण पर जो सूख जाते हैं, अपन देसी भाषा में बोलना है जरा, छोड़ा, खूब काम में लिए है सारा, खूब बहुत भरपूर मात्रा में छोड़ा काम में लिए। और जब अपन अपने पूर्वजों से कभी बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब छपनिया अखाड़ पड़ा था, तो उस समय लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए इन्हीं खेजड़ी के जो छोटे थे, तने को उतार उतार के और इसको पीस करके खाया था। उस समय छपनिया अखाड़ में लोग इनके तने को खाकर जीवित रहे थे। फिर देखो, फिर इसकी टहनियों के जो, ये देखो इनकी जो पत्तियां होती हैं, खेजड़ी की जो पत्ती होती है ना, पत्तियां, खेजड़ी की जो पत्ती होती है, उस पत्ती को अपन क्या कहते हैं, लूंग। क्या कहते हैं, लूंग। और किताबों में इसको क्या लिख देते हैं, लूम, यानी कि लूम या लूंग जो होती है वो खेजड़ी का जो पत्ती होती है उसको कहते हैं। अब देखो ये जो पत्ती होती है, इस पत्ती के फिर आएगा फूल। क्या आएगा बोलो, आएगा ना फूल, इस पे आएगा क्या, फूल। और जब इस पे फूल आएगा, तो उस फूल को अपन क्या कहते हैं, फूल को क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं मिंजर। क्या कहते हैं, मिंजर। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि खेजड़ी वृक्ष के फूलों को क्या कहते हैं, मिंजर। और हमारे प्रसिद्ध एक इतिहासकार हुए कन्हैयालाल सेठिया, उनकी रचना भी है मिंजर, और इस मिंजर में उन्होंने खेजड़ी की भरसक प्रशंसा की है ना। तो याद रखना मिंजर किनकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया, मिंजर। फिर बात करते हैं, जब ये फूल जो होते हैं, ये जो फूल जो होते हैं, जब ये फल बनते हैं, क्या बनते हैं, फल। तो जब ये फल बनते हैं, तो इनको कहा जाता है सांगरी। क्या कहा जाता है, सांगरी। और इस सांगरी की सब्जी बहुत जबरदस्त बनती है भाई, बहुत भयंकर डिमांड रहती है सांगरी। और यही फल जब सूख जाता है, क्या जाता है, सूख जाता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, खोखा। क्या कहते हैं भाई, खोखा। ये वो वाला बॉलीवुड वाला खोखा नहीं है कि दो खोखा लाओ, है ना, वो वेलकम मूवी में आपने देखा था ना कि दो खोखा, मजनू भाई बोलता है कि दो खोखा चाहिए, वो वाला खोखा नहीं है। ये खोखा जो सांगरी होती है वो सूख जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, खोखा। और इसी खोखा को कहते हैं सूखे सूखे मेवे। और ये भाई बताने की बातें नहीं होती हैं, लेकिन सबने जो जो बचपन जिया है और उस व्यक्ति को पता है कि खोखे क्या होते हैं, अपने सांगरी क्या होती है, मिंजर क्या होती है, लूम क्या होती है। और अपने गांव में तो यहाँ तक भी कहावत चलती है कि अगर मान लो कि ये जब फूल आए हों, ये क्या आए हों, फूल, और उस समय अगर बादलों में बिजली गरजती है और बिजली का प्रभाव होता है, तो ये जो मिंजर होती है ये फूल नष्ट हो जाते हैं और फिर सांगरी नहीं लगती है, उनमें गांठ पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। तो देखो हमने कहा जड़े, तना। तना जो होता है इसको, ये तने के ऊपर यहाँ आपको दिखाई देता है खूब, ये हम जलाने के काम में खूब लेते हैं भाई, है ना, ये जो अपना तना होता है। फिर इसके ऊपर जो पत्तियां होती हैं उनको लूम या लूंग कहते हैं, फूल को मिंजर कहते हैं, फल को सांगरी कहते हैं, जो सूखा फल होता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खोखा कहते हैं, है ना। तो ये अपना इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए, है ना, इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए। अब देखो आप, है ना, अब देखो कुछ बातें अपन और कर लेते हैं खेजड़ी के बारे में। और खेजड़ी के बारे में जब अपन बात करते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के एग्जाम में कि सर्वाधिक 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 खेजड़ी के वृक्ष शेखावाटी प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक खेज जो अपने खेजड़ी के वृक्ष है वो कहाँ पाए जाते हैं,
शेखावटी प्रदेश। अगर मान लो आपसे जिला पूछे, आपसे अगर जिला पूछा जाए तो आपको बताना है सर्वाधिक खेजड़ी के जो वृक्ष हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, नागौर जिले। कहाँ पाए जाते हैं, नागौर जिले। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो अपना खेजड़ी है, इस खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है ना, तो इसकी खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है, खेजड़ी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की पूजा, और खेजड़ी वृक्ष की पूजा एक तो होती है विजयदशमी को। कब होती है, विजयदशमी। और विजयदशमी को अपन क्या कहते हैं, दशहरा। क्या कहते हैं, दशहरा कहते हैं ना। और ये विजयदशमी जो है, ये दशहरा जो है ये कब मनाया जाता है, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को, आश्विन, है ना। फिर विजयदशमी और कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को खेजड़ी वृक्ष की पूजा, खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयदशमी और कृष्ण जन्माष्टमी को की जाती है। कब की जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी और विजयदशमी। इसके अलावा अपने गांव में तो आपने भी देखा होगा कि गोगा जी का जो थान रखा जाता था वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही रखा जाता है ना। तो हमने देखा कि कृष्ण जन्माष्टमी और विजयदशमी को क्या किया जाता है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है ना। अब देखो इसकी कुछ बातें हैं। अगर मैं बात करता हूँ, आपने खूब सुना होगा अमृता देवी का नाम, जिन्होंने जिन्होंने मारवाड़ राज्य में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए स्वयं की और अपने बच्चों की, अपने परिवार की, और लगभग 363 लोगों ने, 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष से चिपक कर अपनी जान दे दी थी। और ये जो घटना थी ये कब की थी, 1730 ईस्वी की। कब की थी, 1730 ईस्वी की, और कहाँ, मारवाड़ राज्य में। कहाँ थी, मारवाड़ राज्य। और किसने जान दी थी, अमृता देवी। किसने जान दी थी, अमृता देवी। तो इनकी याद में, है ना, अमृता देवी की याद में। और यहाँ एक जो जगह थी, उस जगह पर एक मेला लगता है जिसको अपन कहते हैं विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। और विश्व का जो एकमात्र वृक्ष मेला लगता है वो कहाँ लगता है, खेजड़ली। कहाँ लगता है, खेजड़ली। और ये खेजड़ली कहाँ है, ये वर्तमान में जोधपुर। कहाँ है, जोधपुर। और ये मेला जो लगता है, ये भादवा जो अपना महीना आता है, भाद्रपद जिसको बोलते हैं, भाद्रपद माह में लगता है, भाद्रपद माह में। जबकि पूजा कब की जाती है, ये पूजा की जाती है अश्विन माह में। कब की जाती है, अश्विन माह में। याद रखना, भाद्रपद माह में एकमात्र वृक्ष मेला लगता है जो कहाँ लगता है, खेजड़ली में। किसकी याद में लगता है, अमृता देवी की याद में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो कहाँ लगता है, खेजड़ली में लगता है ना। अब देखो कुछ फैक्ट और भी है, और देखते हैं। इसके अलावा जब मैं अगर बात करता हूँ तो आपसे पूछा जाए कि खेजड़ी खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो खेजड़ी दिवस पर आप बताओगे, सर खेजड़ी दिवस जो है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 सितंबर। कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 12 सितंबर। और ये शुरुआत कब हुई थी, इसकी जो शुरुआत होती है, पहली बार जो मनाया गया था वो मनाया गया था 12 सितंबर 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ी दिवस मनाया गया था। उसके बाद प्रतिवर्ष 12 सितंबर से खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे कुछ और फैक्ट बात हो तो अपन बात करेंगे कि 5 जून 1988 यानी कि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 5 जून 1988 को खेजड़ी के वृक्ष के ऊपर 60 पैसे डाक टिकट जारी किया था। 60 पैसे का डाक टिकट किसने जारी किया, भारत सरकार ने, 5 जून 1988। फिर अगर अपन कुछ फैक्ट और देखते हैं तो हम कहते हैं कि जहां हमने बात की थी कि अमृता देवी, तो अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। और इसकी शुरुआत होती है 1994। कब होती है, 1994।
और ये सरकार जो देती है ये अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो होता है ये दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। इसकी सुरक्षा के पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो जो कोई संस्था सराहनीय कार्य करती है या मान लो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से दोनों में पुरस्कार दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो पहला पुरस्कार दिया था, ये पुरस्कार दिया था गंगाराम विश्नोई को। किसको दिया था? गंगाराम विश्नोई। और ये जो गंगाराम विश्नोई थे इनको दिया था मरणोपरांत, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद दिया गया था। और ये जो थे ये जोधपुर के निवासी थे। कहाँ के थे? जोधपुर। और इनका गांव था चिरई। कौन सा गांव था? चिरई गांव था। चिरई गांव के निवासी थे। और इनको ये क्या पुरस्कार दिया गया था? पहला दिया था अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी करते हैं। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। और हमने कहा कि जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। फिर अगर कुछ बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल है, है ना, पश्चिमी मरुस्थल। और ये जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है इसका जो प्रसार हो रहा है ना, इसका जो प्रसार हो रहा है ना, इसके पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने हेतु राजस्थान सरकार ने 1991 ईस्वी में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया। यानी कि हमारा जो मरुस्थल है उसका विस्तार नहीं हो और उसके विस्तार को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने 1991 में 1991 ईस्वी में कौन सा चलाया? ऑपरेशन खेजड़ा चलाया। ओके, फिर अगर अपन बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय कौन है? केंद्रीय है ना, इस बात का ध्यान रखना कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। और ये संस्थान कहाँ है बताओ? बीकानेर। केंद्रीय शुष्क नाम आ जाए ना तो जोधपुर की तरफ भागते हो, लेव बजरंगबली को नाम केंद्रीय शुष्क, यानी कि काजरी और आफरी और चेप्यू कामना के जोधपुर। लेकिन याद रखना केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ है? बीकानेर। और इसने ने वर्ष 2009 में वर्ष 2009 ईस्वी में कांटों रहित खेजड़ी वृक्ष की नस्ल तैयार की तैयार की जिसे जिसे मरु शोभा या थार शोभा जिसे मरु शोभा या थार शोभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरु शोभा या थार शोभा कहा जाता है। अब मान लो कोई मेरा पर बावड़ो आदमी है, बैंक मान लो कोई कांटो गटगो है के तो खुद का गटगो है, या मान लो कोई गर्लफ्रेंड ही, या मान लो बी की वाइफ ही बी का गडगो है, तो बी का दिमाग में कि यार अहियाँ को कोई आपा जाटी बना दिया जैसे कोई कांटो ही ना हो तो गडेगो की। क्योंकि आपने देखा अपने गांव में बात करा दे तो अपन कहा कि यार ये जाटी का काटा बहुत है, तो एक अहियाँ की एक किस्म विकसित कर दी जैसे काटा ही बनी है। और बिन आपा नाम के दे दियो, बिन नाम दे दियो मरु शोभा या थार शोभा। क्या नाम रखा हमने? मरु शोभा या थार शोभा। यहां तक आपका नोट हुआ? एक बार अपन देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, और हमने क्या क्या पढ़ा उसमें अपन चेक। हमने कहा कि हमारा राज्य का जो वृक्ष है वो खेजड़ी है। 31 अक्टूबर 1983 को हमने कहा इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। इसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। इसको स्थानीय भाषा में जाटी कहते हैं, साहित्य में सिमलो कहते हैं, पुराणों में हमें
समी कहा था और तमिल भाषा में इसे पे और मे कहा गया है, क्योंकि मैंने कहा कि दक्षिण भारत में चाय होती है और उसको अपन पीते हैं जाटी की छाव में। इसके बाद हमने कहा था बन्ना और बन्नी, बन्ना और बन्नी याद रखो बन्ना कन्नड़, और फिर लास्ट में कहा था मैंने सिंधी, सिंधी में हमने कहा छोकड़ो कहा जाता है, क्या कहा जाता है छोकड़ो कहा जाता है। इसके बाद हमने कहा कि कुछ इसके नाम है, जैसे इसकी जो पत्तियां होती है इसको लूंग या लूंग कहते हैं, इसके फूल होते हैं उसको मिंजर कहते हैं, और मिंजर रचना किसकी, कन्हैयालाल सेठिया की। फिर हमने कहा था कि जो जो हरे हरे फल होते हैं उसको अपन सांगरी कहते हैं, सब्जी बड़ी स्वाद बनती हुई है ना। और फिर अपन बात करते हैं कि इसके इसके जो सूखे जो फल होते हैं उसको अपन खोखा कहते हैं, है ना, खोखा कहते हैं। इसके बाद हमने कहा, इसके बाद हमने कहा कि सर्वाधिक खेजड़ी के जो वृक्ष हैं वो कहाँ हैं, शेखावाटी प्रदेश में है, और अगर जिला पूछे तो आपको बताना है नागौर। खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा की जाती है वो कहाँ कब की जाती है, विजयदशमी और कृष्ण जन्माष्टमी को की जाती है। और आपको पता होगा कि मारवाड़ जो राज्य था, मारवाड़ राज्य, और इस मारवाड़ राज्य में एक घटना होती है जिसको आप खूब अच्छे से जानते हैं कि अमृता देवी अपने परिवार के साथ खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु उनसे चिपक जाती है और 363 लोगों की हत्या की जाती है। और यहीं से फिर हमने कहा कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला इन्हीं की याद में लगता है, और जो कब लगता है, भाद्रपद माह में लगता है। कब लगता है, भाद्रपद माह में लगता है। फिर हमने कहा कि जो खेजड़ी दिवस है वो कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को। कब से शुरुआत था, 1978 से। कब से, 78 से। फिर इसके 10 साल बाद हमने कहा, हमने 60 पैसे का डाक टिकट जारी कर दिया, और फिर हमने कहा कि इसके 6 साल बाद हमने अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया, और पहला जो पुरस्कार दिया था वो किसको दिया, गंगाराम विष्णोई को। किसको दिया, गंगाराम विष्णोई को। फिर हमने कहा कि पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा, कई बार पूछा गया है कि ऑपरेशन खेजड़ा का संबंध किससे है और कब चलाया गया था, तो आपको बहुत आराम से बताना है कि पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए और 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। फिर हमने कहा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है वो बीकानेर में वर्ष 2009 में कांटो रहित एक खेजड़ी की किस्म तैयार की है, जिसे मरुशोभा या हमने कहा थार शोभा के नाम से जाना जाता है। तो हमने एक प्रतीक चिन्ह था, और इससे हर बात हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो हमने कंप्लीट की। इसके जस्ट बाद अपना अगला शुरू करते हैं, और अगला जब शुरू करेंगे तो हम कहते हैं कि अपना जो दूसरा है वो अपन देखते हैं, वो अपन देखते हैं राज्य पुष्प। क्या देखेंगे, राज्य पुष्प। और राज्य पुष्प की बात करता हूं तो मैं कहता हूं रोहिड़े या रोहिड़ा, और रोहिड़े का जो पुष्प होता है वो है रोहिड़ा, नहीं है रोहिड़े का पुष्प। और इसको भी कब राज्य पुष्प का दर्जा दिया था, तो याद रखना ये दोनों साथ साथ ही हुए थे 31 अक्टूबर 1983। याद रखना इस बात, 31 अक्टूबर 1983। फिर देखो, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका वानस्पतिक नाम है ना, या इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक नाम। और वैज्ञानिक नाम की जब मैं बात करता हूं तो इसको अपन कहते हैं पिकू मेला अंडू लेटा। क्या कहते हैं इसको, पिकू मेला अंडू लेटा, ठीक है ना। फिर अगर अपन बात करें कि इसके उपनाम क्या क्या हैं, तो मैं इसको कह सकता हूं एक नाम बहुत अच्छे से आपने सुना है, राजस्थान का सांगवान। क्या कहते हैं, राजस्थान का जो सांगवान है वो कहते हैं, राजस्थान का सांगवान इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो फर्नीचर राजस्थान में बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, रोहिड़े के पेड़ के जो तने होते हैं उस तने से घर में जो फर्नीचर बनाया जाता है वो बनाया जाता है। इसके अलावा को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ टीक और मरु शोभा, मारवाड़ टीक और मरु शोभा इसको कहा जाता है। अब देखो समझो, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे, सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको बताना है मारवाड़ राज्य में, कहाँ पाए जाएंगे, मारवाड़ में। लेकिन अगर जिला पूछा जाए तो आपको बताना है जोधपुर। क्या पूछना है, जोधपुर बताना, सबसे ज्यादा कहाँ, जोधपुर। अब देखो, ये देखो अपना क्या है, इसके फूल खूब देखे आपने, ये जो पुष्प देता है ना, ये देता है अप्रैल मार्च और अप्रैल माह में ये पुष्प देता है, बहुत सुंदर होते हैं भाई, खूब देखे हम लोगों ने तो गांव में खूब। और इसका जो फूल होता है ना केसरिया रंग का होता है, देखो कितना सुंदर लगता है केसरिया रंग का। और इसको जब बाहर निकालते हैं तो इसके बीच में पानी इकट्ठा होता है, खूब पिया है हम लोगों ने, वो बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। देखो
नीचे बकरियां बैठी हैं, कितना गहरा है, मतलब मारवाड़ ये मान लो कि शुष्क प्रदेशों में तो इसकी ये मान लो कि ये कश्मीर की वादी जैसा ही लगता है ना। लेकिन लेकिन इसका जो इसकी जो जड़ें होती है ना, इसकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में एक चूहा है जरविल। कौन सा चूहा है? जरविल, जिसको बोलते हैं रेगिस्तानी चूहा। क्या बोलते हैं? रेगिस्तानी। और ये जो रेगिस्तानी चूहा है, ये क्या करता है, इसकी जड़ों में बिल बना लेता है, और जैसे ही फिर चक्रवात या बबूलिया वगैरह पता है पश्चिमी राजस्थान में खूब आते हैं, तो ये रोहिड़े का जो वृक्ष होता है ये उखड़ जाता है या सूख जाता है। तो जरविल जो चूहा है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है किसको? रोहिड़े के वृक्ष को। किसको पहुंचा रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो आपको देखो इसमें क्या क्या याद करना है, आपको राज्य पुष्प रोहिड़ा 31 अक्टूबर 1983 को अंडुलेटा, इसको हमने क्या नाम दिया? टिक्कू मेला अंडुलेटा। हमने नाम क्या दिया? टिक्कू मेला अंडुलेटा। इसका उपनाम है राजस्थान का सामान, मारवाड़ का टिक, मरुशोभा, और सर्वाधिक मारवाड़ में, और कहाँ? जोधपुर राज्य में। कहाँ है? जोधपुर राज्य में। और जरविल जो चूहा है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है किसको? किसको पहुंचा रहा है? रोहिड़ी के वृक्ष को। बाकी आज हमने दो कंप्लीट किए कि राज्य का वृक्ष कौन सा है और राज्य का पुष्प कौन सा है। बाकी नेक्स्ट कल की क्लास में, कल के लेक्चर में अपन देखेंगे कि कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से खाना खाइए, और अभी गर्मियां बढ़ रही हैं तो स्वयं का ध्यान रखिए, है ना। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू दोस्तों।